करीना कपूर ने बहुत पहले बोला था कि तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम इतने खूबसूरत लगो, तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम साल दर साल हॉट बनते जाओ. मतलब व्हाट्स हैपनिंग, नन अदर देन राजीव खंडेलवाल रेड एफएम के स्टूडियोज में. वेलकम. थैंक यू सो मच फॉर दिस बॉम्ब रिसेप्शन. और इतनी अच्छी अच्छी बातें कहने के लिए भी थैंक यू. एट अ स्कोर ऑफ 1 टू 10 हाउ हैंडसम डू यू थिंक यू आर? I'll be very honest. I am not being going to be modest. If you ask me, मतलब मैं जितना insecure हूँ कि यार आज मैं ढंका लग रहा हूँ मैं जा रहा हूँ आकृति से मिलने के लिए, मैं ढंका मैं 10 बार तो कम से कम मैंने बाल गाड़ी के अंदर ठीक किए होंगे कि यार ये बाल कहाँ से उठा हुआ है, कौन सा नीचे है. सो आई थिंक आई वुड रेट माई सेल्फ 6, अ लिटिल अबव एवरेज इन टर्म्स ऑफ लुक जो मेरी मम्मी से आई, बाकी नॉट बियॉन्ड 6. बट यू नो योर स्क्रीन प्रेजेंस इज फायर. ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग ऑन एक्टिंग एंड ऑल दैट. वो तो अपनी स्क्रीन प्रेजेंस मुझे कहा गया कि है तो आई वुड, जितना भी देखा मैंने. हम देर इज है ना, बोलो ना. या मतलब देर इज या यू कांट लुक एट मी एंड नथिंग हैपेंस टू यू. आई मीन इन अ सेंस आई थिंक माय आईज आई बीन टोल्ड दैट कि दे स्पीक. सो या टोटली. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर योर न्यू असाइनमेंट व्हिच इज कोल्ड लस्सी एंड चिकन मसाला. इट्स ऑल ओवर डिजिटल इंटरनेट. ऐसा कोई नहीं है जिसने जिसका अटेंशन नहीं गया है. हाँ, बहुत अच्छा काम किया जो डिजिटल टीम है उसने, और करना भी चाहिए क्योंकि जिस तरह का शो बना है इट नीड्स ऑडियंस. लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज जनरली मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि बहुत ही अच्छा है मेरा प्रोग्राम. मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि समय अगर आपके पास में है तो आप देखिए, बट मैं ये कहता हूँ कि इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ लव स्टोरीज, इफ़ यू रियली लव लव स्टोरीज देन यू कैन नॉट मिस दिस वन. It is really refreshing. मतलब मुझे पता है कि बहुत तो दिव्यांका और आपकी जोड़ी उसके साथ आप कर रहे हैं कुकिंग. मतलब यू आर शेफ, कुकिंग जैसी स्टफ. या एक तो गुड लुकिंग लड़का, उसके ऊपर उसका सेक्सी स्क्रीन प्रेजेंस, धमाकेदार एक्टर, उसके ऊपर वो किचन में. वाह, व्हाट अ डेडली कॉम्बिनेशन. डिड यू थिंक अबाउट इट एग्जैक्टली दिस वे? और नो, आई नेवर. बिल्कुल, एज अ व्यूअर आप ऐसा सोच रही हैं. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी सारा कॉम्बिनेशन बैठेगा. फॉर मी, जब मैंने कहानी सुनी थी तो मुझे लगा कि यार एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है. बहुत टाइम के बाद मैं कर रहा हूँ. जनरली मैं लव स्टोरीज नहीं करता हूँ बिकॉज पहले वाले में इतना ज़्यादा प्यार मिला था लोगों से कि मुझे लगा कि यार बाकी कुछ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, वो भी देख लूँ मैं. तो मैं आई थिंक आई एम अटेम्प्टिंग अ लव स्टोरी आफ्टर अबाउट 13-14 ईयर्स. नाउ जो मैं कर रहा हूँ वो इसलिए भी कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स एक सेक्शन है जो हमेशा मुझे चाहते थे, यू नो, सम लव स्टोरी करो, लव स्टोरी करो. सो आई वॉज, मैं जितनी भी कहानियां सुनता रहा मुझे लगता कि नहीं यार ये तो ये नहीं मुझे एक्साइट कर रही, ये एक्साइट नहीं कर रही. दिस वन जब मैंने पढ़ा इसको, सुना तो मैंने मना कर दिया था बाय द वे जब, बिकॉज मुझे 15 मिनट का नरेशन दिया था कि अच्छी स्टोरी है. मैंने कहा नहीं यार मजा नहीं है इसमें, मतलब ठीक है लेकिन बेसिकली मेरे जो स्ट्रेंथ है उसी को यूज किया जा रहा है. उन्होंने कहा 4 एपिसोड पढ़ तो लो. तो जया ने मुझे वो 4 एपिसोड का फोर्स किया गया कि नहीं, मुझे सिर्फ बहुत कॉन्फिडेंट थी जया. उन्होंने बोला 4 एपिसोड ले जाओ, अब पढ़ लो फिर मना कर देना. मैं गया, मैंने 4 एपिसोड पढ़े, मैंने कहा बाप रे क्या लिखा है. इट वॉज, इट्स रिटन सो ब्यूटिफुली. एंड देन व्हेन आई रेड इट, उसके बाद जब प्रदीप सरकार आ गए तो मुझे मालूम था कि मैंने कहा ये तो बड़ा ही मतलब कमाल होने वाला है. एंड कमाल हुआ. तो जितने लोगों ने भी ट्रेलर देखा है, व्हाटएवर जो देख रहे हैं आप, उससे कहीं ज्यादा है. दिस इज नॉट द बेस्ट, उतना ही फायर नहीं है जितना अभी है, जितना हाँ देयर इज मच मच मोर, क्योंकि बहुत कुछ दिखा सकते नहीं है. सो इट्स लाइक रियली आई, मैंने अभी तक देखा नहीं लेकिन मैंने सीन शूट किए हैं एंड आई एम रियली वेटिंग टू सी देम. आई लव द वे यू सेड दैट रियली वेटिंग बिकॉज़ वी आर आल्सो लाइक रियली वेटिंग. या एंड वोंट डिसअपॉइंट यू बाय द वे, आई कैन से इट विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. आई एम, वी कैन टोटली वाउच ऑन इट. बट इट्स शो में कितने एक्सप्रेसिव है, क्या क्या नया अतरंगी किया है, अतरंगी जो किया राजीव है. शायद दो बार सोचता करने से पहले कैरेक्टर हैज डन इट. क्या अतरंगी किया मैंने इसमें, इसमें एक दो कैरेक्टर है एक्चुअली. 8 साल का डिफरेंस है इस कहानी में. 8 साल पहले क्या हुआ था और 8 साल के बाद अब क्या हो रहा है, और दोनों बहुत ही डिफरेंट लव स्टोरीज हैं, डिफरेंट लोग हैं कम्प्लीटली. तो जो विक्रम 8 साल के बाद हमें मिलेगा स्क्रीन पे, दैट इज काइंड ऑफ लिटिल सिमिलर टू मी. आई मीन वो कुछ हद तक मैं हूँ, मतलब चाहे तो थोड़ा सा कोट भी हो सकता है, चाहे तो बिल्कुल ललू भी रह सकता है. अंदर से वल्नरेबल है एंड आई एम अ काइंड ऑफ वल्नरेबल गाय. जो पीछे वाला वो कम्प्लीटली ऑपोजिट है, वो चमंडू है, एकदम चमंडू है एब्सोल्युटली. वो मतलब वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको,
पोपट किस्म के लड़के जो होते हैं छोटे शहर के, हाँ चल बिल्कुल वाह बिल्कुल वैसा। तो वो कैरेक्टर अतरंगी जो मैंने किया है वो वहाँ पे मैंने शो किया भी इसलिए था बिकॉज मुझे लगा कि यार दो कैरेक्टर क्या मैं प्ले कर पाऊंगा, यू नो टोटली टोटली ऑपोजिट कैरेक्टर्स हैं, बट आई रियली एंजॉयड प्लेइंग द भोपाली कैरेक्टर मोर देन द प्रेजेंट डे विक्रम। One, two things maybe, which, जो आपको शूट के दौरान लगा कि यार ये करने में बड़ा मजा है, maybe a dialogue, मतलब कुछ भी नहीं वहाँ पर, मतलब मैं तो आई तो बिकॉज दादा थे प्रदीप सरकार, उन्होंने लिबर्टी दी थी हमें कि भैया लिबर्टी मतलब एक सीन करते थे मालूम पड़ता था कि दादा नो नो आई एम जस्ट सेइंग दैट कि दैट इवन इफ आई हैड टू गिव हर समथिंग जिसमें लिखा था यार ये तू ले ले, आई वुड एक्चुअली मैं उतना घुस चुका था उसके अंदर कि मैं उसको बोला ले ले मतलब मैं एक्चुअली में करता था ऐसे, और बहुत सारी लाइंस ऐसी थी सीन्स ऐसे थे जहाँ पर आई वुड जस्ट ब्रेक इनटू अ सॉन्ग, मतलब उसके एडमिशन हुआ मेरा कॉलेज के अंदर वहाँ पे मैं बोलता हूँ कि तेरा बिछाना मैं छोड़ूंगा मैडम, तो आई वुड डू चेंज द लिरिक्स व्हाइल आई एम एक्टिंग एंड जस्ट डू सम थिंग्स व्हिच वर लाइक वेरी सिली, मतलब वो फिल्मी किस्म का लड़का जो मतलब अलग ही दुनिया में जीता है अपने आप में, दैट समथिंग मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, बट समवेयर आई नो दैट कि आई हैव इट इन मी, मतलब मैं रियल लाइफ में शायद चमंडू ही होऊंगा मुझे लगता है मतलब बिकॉज हम जब बाहर जाते हैं हम ट्रैवल करते हैं या मैं अपनी रियल लाइफ में इट इज आई डू द मोस्ट इडियोटिक थिंग्स, मतलब विच यू डोंट एंड आई कीप टेलिंग पीपल अराउंड मी हु आर वेरी क्लोज टू मी, कितनी अजीब बात होती है ना कि इमेज कोई मुझे देख ले यहाँ पे आके कि मैं गोवा में अपने घर में क्या कर रहा हूँ, तो दे विल नॉट बिकॉज द मोमेंट यू स्टेप आउट एंड सडनली आपकी इमेज ऐसी आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो फिर भी पीपल आई लाइक यू राजीव, यू नो पीपल विल एक्चुअली यू नो यू डू व्हाटएवर दे डू, एक बार के घर पे देख लो जरा हमको देखो देखो मेरी असली रंग में देखोगे आप, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग यू गॉट शेड्स एब्सोल्युटली द मोमेंट आई एम एट होम आई व्हेन आई पैक अप उसके बाद घर आता हूं उसके बाद आई एम नॉट द एक्टर एंड ऑफ कोर्स आई एम नॉट द एक्टर इन माय पर्सनल लाइफ, मैं कोई कुछ नहीं हूं। मैं परसों की बात है, तीन चार दिन पहले की बात है, मैं गोवा से वापस आ रहा था और गोवा एयरपोर्ट के अंदर इतनी लंबी लाइन थी, इतनी मंडे की मॉर्निंग थी समझ लो, मेरा मंडे मॉर्निंग गोवा एयरपोर्ट पे ऐसा लगता है कि मजमा है, मतलब पूरा शहर ही वहाँ पे है। अब मैं लाइन में लगाऊँ और मैं लाइन में खड़ा हूँ और थोड़ी देर में स्टाफ आता है, देखता है यार फंसा हुआ है बीच में यार इतनी लंबी लाइन है, इसके सामने 100-150 लोग हैं, सर मेरा राजीव कम मैं वी आई पी मिस लेके सांप की तरह घूमती है, तो जिनसे आप जा रहे हो नए नए लोगों से मिलते जा रहे हो, तो यहाँ पे बात करो तो कोई पे और राजीव जी क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे लाइन में लगे हुए जी, तो आई मीन व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि आई ट्राई एंड बी लाइक अ नॉर्मल या मतलब विच आई एम विच हम जो सब हैं, बट देन यू डोंट डिटैच विद इट, पहली मतलब अगर है सामने है तो यू ऑलवेज चूज दैट नॉर्मल 110% मतलब ये नहीं कि किसी ने आप मुझे शर्म हो रहा है यार ये बाकी लोग खड़े हैं बेवकूफ हैं क्या, मतलब आप मुझे लेके जा रहे हैं क्या कर रहा हूं जस्ट बिकॉज़ मैं उन्हें शो कर दिया मेरी मैं फिल्म कर दी, मतलब हु एम आई, सो दैट काइंड ऑफ बॉदर्स मी आल्सो, सो बट देन सो दैट इज द अदर साइड ऑफ माय आई एम सेइंग, और एक ये है जहां पे लोग मुझे अक्सर बोलते हैं मित्र इतना बड़े एरोगेंट है, बहुत लोग सोचते हैं कि आप आई थॉट दैट यू आर वेरी एरोगेंट, मैंने कहा हो सकता हूँ भी आपको कैसे पता, जस्ट बिकॉज आपने 10 मिनट निकाले मेरे साथ में आपको लग रहा है मैं एरोगेंट नहीं हूँ, सो या सो दो डिफरेंट लोग हैं, और मुझे लगता है कि हम सब एक पब्लिक खासकर जो पब्लिक फिगर होते हैं मुझे अब खुद को देख कर लगता है कि एक पब्लिक इमेज होती है और एक आपकी रियल इमेज होती है, so there is always a contrast and this is very interesting, shades are always very interesting, yeah matlab koi insaan aisa ho but I just wonder at times whenever I think about it, like imagine koi bahar set pe bhi Amitabh Bachchan aur ghar jaake bhi main yahi sochta hu ki main kabhi Bachchan sahab ka interview lu to main Bachchan sahab ko puchunga aap mujhe batao aap ghar pe kaise rehte ho, aapko aapke to Bachchan itna haavi ho gaya hoga ki aap bhi subah uthte ho jao bolo hey ek cup chai leke aana mere liye, so you want to know ki aap ghar pe apni space mein jab koi nahi hota ha tab kya karte ho aap kaun ho, wow how interesting, क्या आप कभी वो कप उठा के लगता है गंदगी यहाँ पे अरे लेके आना जब साफ कर दो, ऐसे मैं अपने किचन को साफ करता रहता हूँ जब भी मतलब शाम को मैं कभी काम कर रहा होता हूँ किचन में, सो इट्स सो आई लेट एवरीवन गो, मतलब मैं और वाइफ मंजरी होते हैं आपको जब घर से बाहर निकाल दिया पैसे नहीं थे आपके पास में तो आपको हेल्दी खाना खाना होता था आप रेस्टोरेंट जा सकते नहीं हो,
तो आपको घर में ही ऐसा इन्वेंट करना है कि खाना सस्ता भी हो और हेल्दी भी हो. तो आप क्रिएट करते थे कि यार क्या करें, दलिया लेके आते हैं, दलिया बहुत सस्ता होता है, दलिया को उबालेंगे, दलिया के अंदर सारी सब्जियां जो मिलती हैं तो सब्जियां डाल देंगे, तो आपको फाइबर मिल गया, कार्ब भी मिल गया, प्रोटीन मिल गया, सब कुछ हो गया. या आप तो इट्स ऑल स्टार्टेड ऑफ विद दैट एंड देन इट्स ऑल एक्सपेरिमेंटल. सो वो एक्सपेरिमेंट करना वहाँ से सीखा. उसके बाद में आई लव कैंपिंग. जब कैंपिंग करते हो तो आपको जो मिलता है आप उससे बनाते हो. सो आई थिंक ऑल ऑफ दैट वो करते करते नाउ आई कांट कुक नॉर्मली. मुझे एब्सोल्युटली तो मैं जब गोवा जाता हूँ तो मेरे घर पे मैंने बहुत कुछ उगा रखा है, सब्जियाँ ये वो मसाले वैसे सब कुछ. तो मेरा ये रहता है कि आज मैं यहाँ पे बनाऊंगा हांडी के अंदर खाना और मैं कोई मसाला बाहर का यूज नहीं करूंगा एक्सेप्ट नमक. क्या बात. आई हैव सम फन रैपिड फायर फॉर यू. बॉलीवुड की कौन सी हीरोइन है जिसके साथ आप हॉट स्टीमी सीन करना चाहेंगे? ये सारे गंदे क्वेश्चन मैंने. बट आई टेल यू हॉट स्टीमी सीन्स मैं जिनके साथ में करना चाहूंगा. हां ए कंगना के साथ में है ना. नाइस गुड चॉइस. मजा आएगा. फियरी हॉट स्टीमी सीन बोला. हां टोटली. इफ यू गेट स्टक इन एन आइलैंड विद मलिका शेरावत आई विल पुश यू ऑन द आइलैंड आई सेड आई विल जंप इन द वाटर. Can you give me a high five on this one, please? Okay. टीवी में कौन सा रोल आप कोई कहेगा ना गिरा जी भी लो 50 करोड़ ये रोल कर लो प्लीज बट विल नेवर डू इट. डेली सोप बुला लो ट्राई कर लो दे दो मुझे. तब भी ऑफर किया तब नहीं कर पाया था मैं कर ही नहीं पाऊंगा. कहेंगे ना आपको ना वो बनना है पिशाच देवता 50 करोड़ अ मंथ. अगर मुझे 5 बार फोन करेंगे तो मैं उनको पैसा देना शुरू करूंगा कि मुझे बंद करो फोन यार. ये कॉल मुझे ये 1000 रुपए ले लो फोन मत किया करो. यार रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने के लिए भाई 2005 से मेरे पास में फोन आते हैं. हमें तभी मैंने बोला था, मैंने कहा लिख लो आई विल नेवर पार्टिसिपेट बिकॉज़ दैट इज नॉट मी आई कांट. जैसे मैंने कहा कि नो बाय नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि आई कांट. मैं नहीं खड़ा होता सर कितना नंबर दोगे मुझे तो 10 में से 7 नंबर नहीं मैं नहीं कर सकता हूं. So again, मुझे रियलिटी शो तुम 100 करोड़ दोगे तभी नहीं करूंगा. इसका जवाब मिल गया. नेक्स्ट क्वेश्चन था कभी बिग बॉस में जाएंगे तो ऑब्वियसली ये तो मुझे ऑलरेडी मिल गया. ओके मैं किराने की दुकान खोल लूंगा लेकिन रियलिटी शो में नहीं जाऊंगा अगर कभी सिचुएशन सी. इफ यू कुड बी एनी फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम. ये क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, जिसने लिखा है उसको सुना देना. आप यहाँ पर नाइट में क्या पहनकर सोते हो? पहले याद खड़े कर दिए. बहुत सोच सकता था कि मैं बहुत स्मार्ट आंसर देता रहा बट देन जिसने भी बोला उसको बता देता हूँ कि मैं बॉक्सर बन सकता हूँ. आप सोचो आप जी खुश हो तो